गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कंडेंस हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आइसोक्विनोलिन के बारे में स्टडी करेंगे। आइसोक्विनोलिन, जिसमें कि एक बेंजीन जो रिंग होती है वो पिरिडीन रिंग के साथ में बीटा और गामा पोजीशन से कॉन्जुगेटेड होती है, तो इस कारण से जो आइसोक्विनोलिन है उसको हम बीटा गामा बेंजो पिरिडीन या बेंजो सी पिरिडीन भी कहते हैं। ये देखिए, ये किनोलिन की आइसोक्विनोलिन की स्ट्रक्चर दी गई है। इस किनोलिन का हम नोमेनक्लेचर देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हेट्रो एटम है उसको हम 1 नंबरिंग देंगे और फिर हम इसकी नंबरिंग करेंगे। जबकि जब पूरे मॉलिक्यूल की हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे हम ये जो रिंग वाल के का पास वाला जो कार्बन एटम है वहाँ से नंबरिंग करते हुए इसको नंबरिंग देंगे। यहाँ पे इस तरह से इसको नंबरिंग देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब क्योंकि ये जो पिरिडीन रिंग है ये बेंजीन रिंग से, ये देखिए, बीटा और गामा पोजीशन से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको बीटा गामा बेंजो पिरिडीन कहा जाता है, या इसको हम बेंजो सी पिरिडीन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है इसको हम ए, इसको बी और इसको सी बॉन्ड नाम दे देंगे, तो क्योंकि ये सी फेस से ये बॉन्डेड है पिरिडीन रिंग बेंजीन रिंग से, इसलिए इसको बेंजो सी पिरिडीन भी कह सकते हैं। और आइसोक्विनोलिन जो होता है, क्योंकि क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन दोनों ही नेफ्थलीन से डराइव्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि नाइट्रोजन एटम सेकंड पोजीशन में प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम इको नाम से इसको हम नाम दे सकते हैं, टू एजा नेफ्थलीन, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे हेट्रो एटम प्रेजेंट है और हेट्रो एटम कैसा है, नाइट्रोजन एटम। ठीक है, तो नेचर से जो हमें बहुत सारी मेडिसिंस प्राप्त होती है उनमें भी आइसोक्विनोलिन प्रेजेंट होता है, जैसे बहुत सारे अल्कलॉइड जैसे कि पेप्रावीन, नार्कोटीन आदि में भी ये इसका न्यूक्लियस हम पाया जाता है, क्योंकि ये सदैव ये किनोलिन के साथ में पाया जाता है। इसे किनोलिन से इसको पृथक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका सल्फेट बना लेते हैं और उस सल्फेट्स का हम एल्कोहल के साथ में क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। आइसोक्विनोलिन जो कि अल्कोहल में बहुत ही कम सॉल्युबल होता है, इसलिए उसका क्रिस्टलाइजेशन पहले हो जाता है और फिर क्विनोलिन का क्रिस्टलाइजेशन होता है। अब हम बात करते हैं इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, तो इसमें जो मेन मेथड है जो आपके कोर्स में है वो है विशलर नेपियर-रॉस की अभिक्रिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बीटा फेनिल एथिल एमीन काम में लेते हैं, बीटा फेनिल एथिल एमीन का एसिलेशन रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें बीटा फेनिल एथिल एमाइड यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो बीटा फेनिल एथिल एमाइड प्राप्त होता है उसका जब हम एसिडिक मीडियम में हम उसको गर्म करते हैं, जैसे एसिडिक मीडियम में गर्म करने के लिए हम यहाँ पे फास्फोरिल क्लोराइड ले सकते हैं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ले सकते हैं, जिंक क्लोराइड ले सकते हैं, तो यहाँ पे जब इनके साथ में हम गर्म करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, साइक्लिक हाइड्रोजनेशन हो जाता है और साइक्लिक हाइड्रोजनेशन होने के कारण डाइहाइड्रोक्विनोलिन यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। उसका हम जब सल्फर, सेलेनियम, पैलेडियम व कार्बन की उपस्थिति में जब हम उसको गर्म करते हैं तो यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन होके आइसोक्विनोलिन फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि हमने क्या लिया है, सबसे पहले बीटा फेनिल एल्किल एमाइड लिया है और उसको हम जो भी यहाँ पे एसिडिक मीडियम ले रहे हैं, जैसे हमें POCl3 लिया हमने, फास्फोरिल क्लोराइड लिया हमने, तो इसकी उपस्थिति में जब उसको गर्म कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पर तो उस स्थिति में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, साइक्लिक एक तरह से डिहाइड्रेशन यहाँ पे उसका हो रहा है और डिहाइड्रेशन के कारण यहाँ पे डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है, जिसको कि हम जब सल्फर, सेलेनियम या पैलेडियम कार्बन के साथ में जब हम गर्म करते हैं तो उस स्थिति में इसका डिहाइड्रोजनेशन होकर हमें आइसोक्विनोलिन यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है।
क्योंकि हम बीटा फेनिल एल्किल अमाइड ले रहे हैं, इसलिए वन एल्किल आइसोक्विनोलिन यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। अगर आइसोक्विनोलिन की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए तो आइसोक्विनोलिन जो होता है ये कलरलेस लिक्विड होता है। जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 243 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी जो ऑर्डर होती है वो बेंजाल्डिहाइड के समान होती है और वाटर में ये लेस सॉल्युबल होता है, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होता है। आइसोक्विनोलिन जो होता है उसमें जो सभी एटम्स होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होते हैं नाइट्रोजन एटम पर, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित रहते हैं। तो वो क्या होता है, जो रिंग होता है उसके प्लेन में ही स्थित होते हैं। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ में वो साइक्लिक स्टेबलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इस कारण से जो आइसोक्विनोलिन होता है वो बेसिसिटी को यहाँ पे शो करता है। मतलब आइसोक्विनोलिन का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर का वो होता है। अब यहाँ पे आइसोक्विनोलिन जो होता है, आइसोक्विनोलिन किनोलिन के समान ही, आइसोक्विनोलिन की जब हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ में हम अभिक्रिया करवाते हैं, इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अम्लों के साथ में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो उस स्थिति में क्या करते हैं, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे HCl और मेथिल आइड्राइड के साथ में जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो उस स्थिति में क्वार्टरनरी सॉल्ट का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। किनोलिन के समान आइसोक्विनोलिन में भी क्या होता है, क्योंकि नाइट्रोजन एटम का यहाँ पर क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे पिरिडीन वैल्यू जो होती है वो इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की वहाँ पे कमी हो जाती है, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कैसे होगा। तो इस कारण से जो बेंजीन, जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो बेंजीन वैल्यू पर ही होती है, और वो भी 5 और 8 पोजिशन पर होती है। ठीक है, लेकिन कुछ अभिक्रियाएं, कुछ स्थितियों में जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है वो 6 और 7 पोजीशन पर भी हो जाता है, क्योंकि उस स्थिति में क्या होता है, जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। बाकी मोस्टली यहाँ पे 5 और 8 पोजीशन पर ही इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, क्योंकि इस स्थिति में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, और उन्हीं के थ्रू हमें फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब हम नाइट्रेशन की बात करें तो नाइट्रेटिंग मिश्रण की प्रेजेंस में यहाँ पे आइसोक्विनोलिन का नाइट्रेशन होगा। फ्यूमिंग HNO3 और एस्टोसल्फर का मिश्रण लेंगे और नाइट्रेशन करवाएंगे तो हमें 5 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा, साथ में यहाँ पे 8 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन में हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। सल्फोनेशन कराते हैं, सल्फोनेशन फ्यूमिंग एस्टोसोफोर और SO3 की प्रेजेंस में 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर करवाते हैं, तो उस स्थिति में जो मेन प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो आइसोक्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड प्राप्त होगा। थोड़ी सी मात्रा में यहाँ पे आइसोक्विनोलिन 8 सल्फोनिक एसिड भी हमें प्राप्त होगा। जब आइसोक्विनोलिन का जो सल्फोनेशन है वो हम हाई टेम्परेचर पे करवाएंगे, जैसे ये रिएक्शन करवा रहे हैं हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवा रहे हैं, तो दो तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन यदि हम कम टेम्परेचर पे करवाएंगे यही रिएक्शन तो हमें आइसोक्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड ही केवल मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होंगे। ये रिएक्शन हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाते हैं तो ये दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, जिसमें से मेन प्रोडक्ट 5 सल्फोनिक एसिड होगा और बहुत कम मात्रा में यहाँ पे 8 सल्फोनिक एसिड प्राप्त होगा। हेलोजिनेशन की बात करें तो आइसोक्विनोलिन का हेलोजिनीकरण जब हम ब्रोमीन से करवाते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो उस स्थिति में क्या होता है, हमें मेन प्रोडक्ट के रूप में 4 ब्रोमो आइसोक्विनोलिन प्राप्त होता है, सॉरी 4 ब्रोमो आइसोक्विनोलिन प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे जो हेलोजिनेशन होता है ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में कराने पर होता है, लेकिन यदि यही रिएक्शन हम AlCl3 के साथ में करवाएं, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ में करवाएं, तो उस स्थिति में हमें जो प्राप्त होगा वो 5 ब्रोमो आइसोक्विनोलिन मेन प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे प्राप्त होगा।